काम करता था भोपाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। ये 17 लिखा है, 2007 की बात है। मुझे मौका मिला ईवीएस को नए रूप में देखने का। भोपाल कन्वेंशन हो रही थी सर, आपको ध्यान होगा भोपाल में बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई। 2005 में मैं ईवीएस को समझ नहीं पाया था। मैं हॉस्पिटल गया और जय ईवीएस जय ईवीएस जय ईवीएस दिमाग में चलता है। जो नया बच्चा नए बच्चे क्या जय ईवीएस बोल सकते हैं? जय ईवीएस। और एक डॉक्टर डांस कर रहा है, एक डॉक्टर जय ईवीएस बोल रहा है। हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए, ये कर क्या रहा है? मुझे बुलाया गया, बोलते पहले आप प्राइवेट भी देखते थे, आईसीयू भी देखते थे, जनरल वार्ड भी देखते थे, 8,000 रुपए तनख्वाह में पूरा हॉस्पिटल संभालते थे, मैनेजमेंट भी देखते थे, आपको हो क्या गया? आप तो आते ही नहीं हो, आपकी सैलरी बढ़ा दें, डबल कर दें। मैंने बोला क्या कर सकते हो? बोलते 15,000 कर सकते हैं। बोलते आपका विजन क्या है? और वो सीईओ बैठे हुए थे जो हॉस्पिटल संभाल रहे थे, और मैं इतना जोश में था, मैंने बोला मैं आपकी जगह बैठना चाहता हूँ। वो भी हैरान, मैं भी हैरान। मैंने बोला मैं क्या बोल बैठा? बाहर बुला के बोलते डॉक्टर पागल हो गया, इसे निकाल दो। और मैं वो दिन याद कर रहा था कि मैं जब पेशेंट का इलाज करा करता था, और आज 80,000 से ज्यादा परिवारों को मानसिक और शारीरिक तौर पे मनन सर के आशीर्वाद से ठीक कर पाया हूँ, कोशिश कर पाया हूँ मैं। और आज ये सुंदर परिवार एथिकल टीम चलेगी तो प्रॉब्लम्स को भी अगर
साथ तलाक 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 बोलते तो वाकई वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम को तलाक 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 बोलने के लिए तैयार है? मैं बोलूंगा, आप अगर लगे तो तलाक बोलना, तलाक तलाक तलाक। नेगेटिविटी प्रॉब्लम आपकी हार, और बोलते सर कबूल है बोल देते हैं तो रिश्ता कबूल हो जाता है। मैं बोलता हूँ सर अगर हाइएस्ट सेंटेंस में आप बोल ही रहे 200-500 जितने नाम लाना है लाओ, हफ्ते में 4 शनिवार भी आप बोल रहे हैं, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं तो हर इंसान हाईएस्ट सर्विस में आने के कबूल बोल सकता है। तो क्या हाईएस्ट सर्विस में आने के लिए हमेशा बहुत कुछ, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके लिए जबरदस्त आ रही है। थैंक यू सो मच।